बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असाना लाल के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह, आपकी खिदमत में। बच्चे हर घर में होते हैं। रात का वक्त हो, अगर बच्चा रोता हो तो ख़ास तौर पे देहातों में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। शहरों में तो सहूलियात मयसर है कि हम अस्पताल ले जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन देहातों में बाज़ औक़ात शहरों में भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बच्चा रोता क्यों है, मैं आपको आज उसकी मुख्तलिफ अलामात बता दूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे बच्चे को क्या तकलीफ़ है। बाज़ औक़ात बच्चा रोता है तो अपनी मुठियाँ ऐसे भींच के रोता है, तो ये समझ लें कि बच्चे को भूख लगी हुई है, उसको फीड करवा दें, बच्चा चुप कर जाएगा। जैसे ही बच्चे का पेट भर जाएगा, बच्चे की मुठियाँ जो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। उसका डायपर चेक करें, अगर गीला है तो उस परेशानी से भी बच्चा रोता है, वो उतार के उसे अच्छी तरह साफ करके नया डायपर लगा दें ताकि बच्चा फर्क महसूस करे। अगर फिर भी बच्चा चुप नहीं कर रहा तो पेट पे ऐसे हल्का सा दबाएं, बच्चा चीख मारेगा या ज़्यादा अपनी टांगों को सकेट लेगा, इसका मतलब क्या है कि उसके पेट में दर्द है। उसके लिए आप कोलिक ड्राप, डाइगैस ड्राप्स वगैरह होते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं, बच्चा फौरी सुकून कर जाएगा। अब गैस होगी वो भी निकल जाएगी, और भी कोई दर्द वगैरह का लंज होगा तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर पेट में भी दर्द नहीं है तो उसके कानों के ऐसे हाथ लगा कर देखें, अगर बच्चे को कान का दर्द होगा तो फिर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रोना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आप कोई से एयर ड्राप्स आप घर में रख लें, बच्चे के कान में वो डाल दें, इंशाल्लाह बच्चा चुप कर जाएगा। अगर एयर ड्राप्स आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्रूफेन सिरप है दर्द के लिए, कोई भी चीज़ आप उसे दे देंगे, इंशाल्लाह बच्चा चुप कर जाएगा। अगर कान में भी दर्द नहीं है तो उसके सर को चेक करें, सर को दबाएँ आहिस्ता आहिस्ता, जिस ऐसे दबाते हैं तो बच्चा अगर चुप करता है, उसे बुखार है तो ज़रूर फिर उसे पैनाडॉल या ब्रूफेन शरबत दे, बच्चा फिर भी चुप कर जाएगा। अगर इन तमाम बातों के बावजूद भी बच्चा रोता है, चुप नहीं कर रहा, तो उसे पसलियाँ उसकी चेक करें, कहीं नमूनिया वगैरह ना हो गया हो। नमूनिया की एक अहम अलामत, उसके चेहरा जो है ना, गाल उस तरफ का सुर्ख होगा और पसलियों पे गड़ा पड़ेगा। इससे फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि ज़्यादा मज़ीद खराबी पैदा ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, मोशन आते हैं, तो इसकी अलामत यह है कि बच्चे के हाथ पे ऐसे आप उठाएंगे तो ये वापस चला जाता है, लेकिन उस बच्चे का डिहाइड्रेट अगर बच्चा हो चुका है तो उसका जो जिल्द है वो वापस नहीं जाएगी, उसी तरह कट्ठी रहेगी और बच्चा चीख मार के रोएगा। तो कभी भी ऐसी सूरत हाल में लेट ना करें, उसमें पानी की शदीद कमी वाक़ हो चुकी है, अगर लेट हो गए तो उसके गुर्दे भी डैमेज हो जाएंगे। इस सूरत में जब डिहाइड्रेट बच्चा हो जाता है तो पेशाब वगैरह आना बंद हो जाता है, इससे गुर्दे मुतासर होने का शदीद खतरा होता है। फौरी तौर पर आप अस्पताल ले जाएँ ताकि उसे कोई ड्रिप वगैरह लगा दी जाए। कभी भी ऐसे आदमी के पास ना ले जाएँ ऐसी हालत में जो ज़्यादा इलम ना रखता हो, फौरी तौर पे उसे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ड्रिप ज़्यादा भी लग गई तो जिस्म के अंदर नमकियात का तवाज़न भी बिगड़ सकता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। ये कुछ अलामत अमूमन हर घर में पेश आती रहती हैं, इंशाल्लाह आप इन अलामत को अपने जहन में बिठा लें, कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और 80% आप बच्चे का इलाज घर पर भी कर सकते। बच्चे हर घर की रौनक है, इनकी सेहत का खास ख्याल रखें, गर्मी सर्दी से बचाएं। बाज़ वालदैन गर्मी के मौसम में बच्चे के ऊपर कपड़े दे देते हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें, ये गर्मी उसे भी महसूस होती है, लेकिन ठीक है, टेम्परेचर का खास ख्याल रखें, या डायरेक्ट हवा के नीचे ना लटाएं, उसके फेफड़े अभी नाजुक होते हैं ताकि प्रेशर हवा का ज़्यादा ना बने। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।